तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे पास आ गया है आसुस का वीवो बुक 14 i3 7 जनरेशन। तो ये मैं फ्लिपकार्ट से परचेस किया था और ये बहुत दिन पहले ही परचेस किया था, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। तो आज के इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग करूंगा, इसका बॉक्स का अंदर क्या क्या मिलता है सब कुछ आप लोगों को सामने दिखाऊंगा। तो चलिए पहले जो फ्लिपकार्ट की तरफ से जो बॉक्स मिला है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसका अंदर और एक आसुस का बॉक्स मिला है। तो ये फ्लिपकार्ट का जो बॉक्स है इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद जो आसुस का बॉक्स है, यहाँ पर जो बैग जैसा सूटकेस होता है ऐसा ही डिज़ाइन है ये बॉक्स का। और चलिए इसका जो स्टिकर, इसको काट के मैं इसका बॉक्स का अंदर ओपन करके दिखता हूँ इसका अंदर क्या क्या मिला है। तो ये बॉक्स ओपन करने के बाद फाइनली हमारे सामने आ गया है हमारा लैपटॉप। तो इसको मैं पहले साइड में रखता हूँ और देखता हूँ इसका अंदर और क्या क्या मिलता है। तो इसको यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर एक पावर एडेप्टर मिला है, और ये जो एडेप्टर ये वाला आपको लैपटॉप से कनेक्ट करके चार्ज करना पड़ेगा, और इसका जो वायर है वो बहुत ही लंबा है और ये और कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो है इसको आपका जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उससे कनेक्ट करके आपको चार्जिंग करना पड़ेगा। तो ये दो अलग अलग रख दिया, तो इस के साथ आप यहाँ पर इसको कनेक्ट करके आप चार्ज कर पाएंगे ये लैपटॉप को। तो मैं इसको साइड में रखता हूँ, और साइड में रखने के बाद और बॉक्स के अंदर शायद और कुछ नहीं है, यही था सिर्फ। तो बॉक्स को मैं थोड़ा साइड में रख के लैपटॉप को थोड़ा देखता हूँ जो ये लैपटॉप कैसा दिखता है, इसका डिज़ाइन कैसा है और सब कुछ। तो चलिए ये जो बुक्स दिया है ये बुक्स का आप पढ़ के इसका जो सेटिंग है ये सब कर पाएंगे आप। अब ये बुक्स भी पढ़ के सब कुछ जो ऑल सेटिंग है ये ऑल सेटिंग कंप्लीट कर पाएंगे, तो मैं ये बाद में देखूंगा। चलिए पहले देखता हूँ लैपटॉप के बारे में। तो ये जो लैपटॉप है फाइनली हमारे सामने आ गया, और इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही मस्त है। आपने शायद वीडियो में कैसा दिख रहा है मेरे को पता नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। मैं ये ऑरेंज कलर में लिया था, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मतलब बहुत ही अच्छा है ये कलर, मेरे को तो बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसा आया पता नहीं। तो इसका जो लैपटॉप है ये बहुत ही छोटा है, देखने में बहुत ही छोटा है क्योंकि 14 इंच का है इसलिए देखने में बहुत ही छोटा है। और ये लैपटॉप का चलिए बैक साइड में देखता है क्या क्या मिला है। तो ये साइड में लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा जो चार्जिंग केबल का, और यह है HDMI पोर्ट और एक USB पोर्ट, और हेडफोन एक जैक मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो स्पीकर है, स्पीकर सोनिक मास्टर का स्पीकर दिया गया है, और यहाँ पर विंडोज 10 का लोगो है, और यहाँ पर आपका जो फैन है मतलब यहाँ से हवा निकल रहा है, उसका जो हीट होता है अंदर वो फैन से हवा निकल रहा है। और यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट दिया गया है, और यहाँ पर और एक USB पोर्ट दिया गया है, और यहाँ पर आप चिप लगा पाएंगे तो चिप से भी ये कनेक्ट हो पाएगा ये लैपटॉप। और ये लैपटॉप का सामने देखता हूँ थोड़ा सामने के बाद, यहाँ पर सबसे अच्छा जो लगा मेरे को यहाँ पर फिंगरप्रिंट दिया है। तो मैं ये लैपटॉप जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये लैपटॉप मैं यूज़ करने के बाद ही वीडियो बना रहा हूँ, ये फिंगरप्रिंट बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना था कि फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।